गाइस, दिस इज आकांक्षी एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं सारे ही जो भी हमारे अपकमिंग इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं उनके बारे में। एंड आई होप कि आपने ऑलरेडी काफी एग्जाम्स भर दिए होंगे, बट ये वीडियो है उन सभी एग्जाम्स के बारे में जिनकी डेट्स अभी भी बाकी हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की। एंड मैं कुछ ऐसे भी एग्जाम्स आपको बताऊंगी जिनकी अगर डेट निकल भी गई है, जिनके एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं, सो दैट आपको वो चीजें वापस से याद आ जाए एंड आप कोई भी एग्जाम मिस ना करो। ऑल राइट, सो हम अपना वीडियो आज का यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारी लिस्ट में वो है कॉमेट के। ये एग्जाम बेसिकली कर्नाटका के लिए होता है। इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो है आपकी 31 जुलाई 2021। ओके, एंड जो आपकी एग्जाम डेट है वो है 14 सितंबर 2021। देन आपकी जो फॉर्म फीस होती है वो है इसकी कॉमेट के की फॉर्म फीस आपकी 1800 रुपीज है। एंड इसमें जो यूनिकॉच का एग्जाम होता है उसकी फीस आपकी 1500 रुपीज है। और अगर आप दोनों का ही लेते हो फॉर्म्स तो आपको 2800 रुपीज पड़ता है। एंड गाइज, अभी इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, तो आप इसका फॉर्म भी भर सकते हो। डोंट फॉरगेट, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, तो आप इसका फॉर्म भी भर सकते हो, एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप प्लीज इसे भर दो क्योंकि इसमें अभी भी आपके पास टाइम है। और प्लस अगर आप चाहते हो कि मैं कॉमेट के और यूनिकॉच के बीच में जो डिफरेंस होता है दोनों एग्जाम्स के बीच में वो आपको बताऊं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मैं डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं पूरा डिटेल्स आपको बता दूंगी कि कॉमेट के और यूनिकॉच के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में वो है EAMCET का एग्जाम। ये हमारा तेलंगाना के लिए होता है। ये एग्जाम देने से आपके तेलंगाना के सारे इंस्टीट्यूट निकलते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो लाइक ऑलरेडी निकल चुकी है। जो एग्जाम फॉर्म भरने की डेट थी वो थी 24th ऑफ जून। बट आई मीन आई होप कि आपने एग्जाम ऑलरेडी भर दिया होगा। एंड अगर आप नहीं भी भर पाए हो तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे बताऊंगी, आप वो भर सकते हो, वो क्रैक कर सकते हो, आपको सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। सो जो इसकी एग्जाम डेट है वो है 4th टू 10th ऑफ अगस्त। एंड इसका जो एग्जाम फॉर्म था वो था 800 रुपीज का। सो जो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है वो है CUCET 2021 का एग्जाम। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। बेसिकली इसकी जो लास्ट डेट है वो फॉर्म भरने की वो है 2nd वीक ऑफ जुलाई। एंड जो इसकी एग्जाम डेट है वो है 4th वीक ऑफ जुलाई। ओके, सो इसमें भी अभी आपके पास गाइस टाइम है तो आप भर सकते हो आराम से। एंड जो फॉर्म है वो आपको 800 रुपीज में मिल जाएगा। एंड अगर आपको इसके भी बारे में डिटेल्स चाहिए, इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आप चाहते हो उसके बारे में कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताना, मैं डेफिनेटली उसका भी एक वीडियो अलग से आपके लिए बना दूंगी। देन जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम आता है वो है EAMCET, दैट इज EAMSET। वो हमारा आंध्र प्रदेश के लिए होता है। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी 25th जुलाई है। लेट फीस के साथ अगर आप भरोगे तो ऑब्वियसली उसमें आपका कुछ एडिशन हो जाता है जो आपका अमाउंट होता है फॉर्म का। देन एग्जाम डेट जो है वो है 19 टू 25 अगस्त, आपकी एग्जाम डेट है इसकी। एंड फॉर्म जो होता है वो आपको 500 रुपीज में मिलता है। सो बेसिकली सेंट्रेंस को क्लियर करने के बाद उस स्टेट के जितने भी एंट्रेंस रहेंगे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, देन जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है CGPET। ये हमारा छत्तीसगढ़ के लिए होता है। तो इसमें जो कोर्सेज रहते हैं वो इंजीनियरिंग के हैं, डेली टेक्नोलॉजी के हैं, एग्रीकल्चर, ये सब कवर हो जाते हैं आपके। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 2nd वीक ऑफ जुलाई एंड एग्जाम डेट है 3rd वीक ऑफ जुलाई में। और फॉर्म फीस जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए है। तो आप डेफिनेटली इसको तो ट्राई करो ही, मैं तो बोलूंगी कि, बिकॉज अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो आपको फॉर्म्स भरने चाहिए। एंड देन हमारे पास आता है KEAM। तो ये बेसिकली हमारा केरला के लिए एग्जाम होता है। ठीक है, इसकी भी हमारी फॉर्म की डेट निकल चुकी है, बट एग्जाम हमारा 24 जुलाई को है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत। एंड सो बेसिकली अगर आपको केरला के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना रहेगा तो आपको ये बहुत ही हेल्प करता है। एंड इसके फॉर्म की वैल्यू थी 700 रुपीज। देन हमारे पास है BITSET।
तो बिटसेट जो है उसकी लास्ट डेट है 30th June, तो गाइस टाइम बिल्कुल नहीं है, प्लीज भर दो, लेट मत करो। अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपके पास टाइम है एक दो दिन का, तो प्लीज इसे जल्दी से जल्दी भर दे। एंड एग्जाम डेट अभी डिस्क्लोज नहीं है। जो फॉर्म फीस है इसकी वो है 3400 मेल्स के लिए और 2900 फीमेल के लिए, ठीक है। तब अब हमारे पास आती है बनस्थली यूनिवर्सिटी, इसकी लास्ट डेट जो है वो है 30th June, तो इसका भी फॉर्म तुम लोग तुरंत भर दो गाइस, एंड जल्दी से जल्दी भर दो, लेट मत करो। अगर अभी भी नहीं भरा है तो देर नहीं हुई है। एंड फॉर्म फीस है 800 रुपीज। देन जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है NEST का एग्जाम, नेस्ट का, तो इसकी जो लास्ट डेट है एंट्रेंस फॉर्म भरने की वो है 15th July एंड एग्जाम डेट है 14th August, और इसका फॉर्म आपको 1200 रुपए में 1200 रुपीज में मिल जाएगा। देन या एंड जो आपका फिर आता है GGSIPU, उसकी लास्ट डेट है 15th July एंड फॉर्म है आपका 1200 रुपीज का, ठीक है। तो गाइज मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि आप समय रहते प्लीज भर दो, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है इन सब चीजों के, आपके फॉर्म्स बाकी हैं, तो आप प्लीज तीस तीस से भर दीजिए। और मैं स्टूडेंट्स को ये एक और चीज कहना चाहूंगी, लाइक हमेशा ना ऐसे सब बोलते हैं कि हम कौन सा फॉर्म भरें कौन सा नहीं भरें, इतने सारे कॉलेजेस हैं किनका फॉर्म भरें, तो गाइज हम लोगों का काम है आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि कौन से कॉलेजेस के फॉर्म्स कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब एग्जाम्स है, कब लास्ट डेट है। बट लाइक मैं बोलूंगी आप सब सुनो, सब ध्यान से देखो, एग्जाम्स के बारे में जानो, कौन से एग्जाम्स किस लिए हैं, किस कॉलेजेस के लिए हैं, क्या क्या है क्राइटेरिया, सबको अच्छे से इवैल्यूएट करो एंड फिर सोचो कि आप क्या क्रैक कर सकते हो, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, या आप किस स्टेट में जाना चाहते हो, तभी उन जगहों के फॉर्म भरो जब आप किसी जगह से कंफर्टेबल हो या किसी चीज से कंफर्टेबल हो। उसके लिए इतने सारे फॉर्म्स आपको भरने की जरूरत नहीं है, आप जिन जगहों से कंफर्टेबल हो, जिस स्टेट में जाना चाहते हो, जो आपको लगता है आपके लिए सही है या आप क्रैक कर सकते हो, आप उन चीजों को भरो, अपने हिसाब से करो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इससे क्या होगा, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी लगेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, तो मैं और वीडियोज इस पर बनाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको लाइक अब मैं कॉलेजेस के रिव्यूज करने वाली हूँ अपने चैनल पे, सो आप प्लीज मुझे कॉमेंट में बताओ आपको कौन से कॉलेज के बारे में जानना है, कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए, तो मैं वो हर चीज का आपको वीडियो बनाकर एंड ट्राई करूंगी ऑथेंटिक से ऑथेंटिक वीडियो बनाने का, सो दैट आई ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल फ्रॉम द कॉलेजेस, जिससे कि मुझे सारी की सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल पाए और मैं वही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊं। ओके सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।